हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हमारी प्रीवियस वीडियो ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज इनकम्प्लीट रह गई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमारी ये इनकम्प्लीट रह गई थी बच्चा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा था कि द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। लेफ्ट लंग जो होता है स्लाइटली स्मॉलर होता है इन कंपेरिजन ऑफ द राइट लंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट लंग का साइज कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। ठीक है, अब देखते हैं। द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स। लेफ्ट लंग जो होता है बेटा, उसके टू लोब्स होते हैं, जबकि जो राइट लंग होता है उसमें थ्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, इसमें मैंने वन टू लोब्स बनाए, इसमें वन टू थ्री लोब्स बनाए, दिख रहा है? ठीक है। द डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन। लंग्स जो होते हैं ना, इनके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उस डबल मेम्ब्रेनस लेयर को? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब लंग्स किस किस से मिलकर बना होता है? लंग में एक तो ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है, एक ब्रोंकियोलस प्रेजेंट होती है, एक एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। कौन सी? एक तो ब्रोंकाई, एक ये ब्रोंकियोलस, और एक लास्ट में एयर से एक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन बोलते हैं एल्वोलाई। इट कंटेन्स प्लूरल फ्लूड। लंग्स जो होते हैं उनमें एक फ्लूड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे प्लूरल फ्लूड बोलते हैं, विच लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की सरफेस को लुब्रिकेट करता है, यानी कि सॉफ्ट बनाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन, यानी मेम्ब्रेन्स को आपस में घिसने से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। द टू लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सीबल रिब केज। ये लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज, हमारे पसलियां जो मिलती है ना, फ्लेक्सीबल रिब केज और स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है, जो हमारी रिब केज होती है उसके बीच में एक लंबी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ रिब केज मिलती है, तो वो जो लंबी स्ट्रक्चर होती है उसे अपन स्टर्नम बोलते हैं। तो ये रिब केज और स्टर्नम जो होते हैं ना, फ्रंट साइड से लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जो वर्टिबल कॉलम होता है वो बैक साइड से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो वर्टिबल कॉलम होती है वो बैक साइड से लंग को प्रोटेक्ट करती है, जबकि जस्ट बीनथ द लंग्स, लंग्स के जस्ट नीचे देर इज अ डोम शेप्ड मस्क्यूलर शीट। वहां पर एक डोम शेप्ड मस्क्यूलर शीट मिलती है, प्लेट मिलती है, इसे अपन बोलते हैं डायफ्राम। मैंने बताया था डायफ्राम ऐसा मिलता है लंग्स के जस्ट नीचे, ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? डोम शेप और मस्क्यूलर होता है। ठीक है, उसे अपन डायफ्राम बोलते हैं। देर आर अबाउट 350 मिलियन एल्वोलाई इन ईच लंग। एक लंग में ना बेटा अप्रोक्स 350 मिलियन एल्वोलाइज प्रेजेंट होती है, आई मीन 35 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पर आपके एल्वोलाई प्रेजेंट होती है ओनली एक लंग में। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पायरेटरी मसल। रेस्पायरेटरी मसल्स क्या होती है? रेस्पायरेटरी मसल्स आर द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। रेस्पायरेटरी मसल्स का अरेंजमेंट जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑफ द मसल्स विच आर अटैच टू द रिब केज। रेस्पायरेटरी मसल्स जो होती है रिब केज से हमारे अटैच होती है। ठीक है, एंड हेल्प इन द जनरेटिंग द ब्रीथिंग एक्शन। और ये रेस्पायरेटरी मसल किस में हेल्प करती है? ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करती है और कौन कौन सी मसल्स हैं? तो मेन रेस्पायरेटरी मसल्स, पहली आती है डायफ्राम, फर्स्ट मसल आती है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इज अ कर्व्ड शीट ऑफ द मसल बिलो द लंग। लंग के नीचे एक कर्व शीट मिलती है, कर्व हो रही है ना, देखो ये फोल्ड हो रही है, यानी कर्व हो रही है, तो डायफ्राम कैसी होती है? कर्व शीट होती है, कर्व शीट ऑफ मसल, मसल की एक कर्व शीट होती है, जो कहाँ मिलती है? लंग्स के नीचे। इट इज प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन की कैसी मसल होती है? प्राइमरी मसल होती है। कैसी मसल होती है? प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पायरेशन होती है? इट हेल्प इन ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है, सांस लेने में हेल्प करती है, बाय मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करके। ठीक है, अब अप एंड डाउन कैसे मूव करता है? अभी ये ऐसे प्रेजेंट है, तो ये ऐसे मूव करता है तो लंग्स फैल जाते हैं, और ये ऐसे मूव करता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये ऐसे करते हैं तो एक्सपांड हो जाते हैं, ऐसे मूव करता है तो ये ऐसे अप एंड डाउन मूव करके रेस्पायरेशन की प्रोसेस करवाता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल। इंस्पायरेटरी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करती है, थोरेसिक कैविटी को फैला देती है, ये थोरेसिक कैविटी को फैला देती है। जब थोरेसिक कैविटी फूल जाती है तो लंग्स भी फैल जाते हैं, तो लंग्स फैल जाते हैं तो उनके अंदर हम सांस को अंदर ले लेते हैं, यानी कि इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? थोरेटिक कैविटी को एक्सपेंड करती है, जिससे लंग्स भी एक्सपेंड हो जाते हैं।
ठीक है, लंग्स एक्सपेंड हो गए तो लंग्स ऐसे फैल गए, तो अब अपन एयर को फैल गए तो एयर इजीली अंदर आ जाएगी, यानी कि इनहेलेशन की प्रोसेस होगी। एक्सपायरेटरी मसल कंप्रेस करती है, थोड़ी सी कैविटी को कंप्रेस कर देती है, पिचका देती है, जिससे लंग्स भी कंप्रेस हो जाते हैं। जब लंग्स कंप्रेस होते हैं तो इनके अंदर की एयर बाहर निकल जाती है, यानी एक्सहेलेशन हो जाता है। तो ये एक्सपायरेटरी मसल तो थोड़ी सी कैविटी को कंप्रेस करती है और एक्सहेलेशन इंड्यूस करती है, और इंस्पायरेटरी मसल थोड़ी सी कैविटी को एक्सपेंड करती है और इनहेलेशन को इंड्यूस करती है। फिर एक लास्ट मसल आती है अपने इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है ना, सेट में प्रेजेंट होती हैं, और ये भी किससे अटैच्ड होती है, रिब केज से अटैच होती हैं, विद इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के अंदर ये रिब केज से अटैच्ड होती हैं। द कंट्रोल इट दैट विद इन द चेस्ट कैविटी द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द रिब केज। और ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, रिब केज से अटैच होती हैं, तो इसका मतलब क्या करती है, रिब केज के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इंटरकोस्टल मसल रिब केज के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इट वर्क्स विद द डायफ्राम, ये डायफ्राम के साथ मिलकर वर्क करती है, टू क्रिएट अ हाई एंड लो प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी। और डायफ्राम के साथ मिलकर ही क्या करती है, चेस्ट कैविटी में हाई प्रेशर और लो प्रेशर मेंटेन करती है ताकि ब्रीथिंग हो सके। ये इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज से अटैच होती है और क्या करती है, ये चेस्ट कैविटी या फिर रिब केज के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये डायफ्राम के साथ मिलकर थोरेसिक कैविटी के हाई प्रेशर और लो प्रेशर मेंटेन करती है, जिससे ब्रीथिंग हो सके, यानी कि एड विद ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग हो सके। अब देखते हैं इसकी प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल रेस्पायरेशन। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है, बिटवीन द एल्वोलाई एंड ब्लड, ब्लड और एल्वोलाई के बीच में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, बाय सिंपल डिफ्यूजन, उसी को अपन रेस्पायरेशन बोलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एल्वोलाई एंड ब्लड बाय डिफ्यूजन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन डिफ्यूज, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां से होता है, एल्वोलाई से ब्लड में। ऑक्सीजन का डिफ्यूज होता है हमारी एल्वोलाई से ब्लड में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है ब्लड से एल्वोलाई में। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई। आगे बात समझ में, क्योंकि हमारी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इस वजह से वो कम ब्लड में जाती है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो इस वजह से वो एल्वोलाई में जाती है। डिफ्यूजन रिक्वायर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तो एक जगह कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई मस्ट बी केप्ट एट द हायर लेवल। अब कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, जो हमारी एल्वोलाई होती है ना, वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम द ब्लड। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुई, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा और एक तरफ कंसंट्रेशन कम। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वोलाई में ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ द ब्लड, तो ज्यादा कम है। वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई में कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ द ब्लड। एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए ब्लड से, लेकिन एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए देन द ब्लड, ब्लड से। आगे बात समझ में, तो हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब ऐसा होता है तो क्या होता है, वी डू दिस कोर्स बाय द ब्रीथिंग, इससे क्या होता है, ब्रीथिंग होती है कंटिन्यूअसली ब्रिंगिंग फ्रेश एयर इनटू द लंग्स। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो फ्रेश एयर होती है कंटिन्यूअसली लंग्स में आती जाती है, फिर लंग्स से कहां आ जाती है, एल्वोलाई में। ठीक है, और फिर वो एल्वोलाई से ब्लड में चली जाती है, और ऐसे रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि एक जगह ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है। अब प्रोसेस कौन कौन सी, टू स्टेप की प्रोसेस होती है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होता है। किसके बीच में, एल्वोलाई और ब्लड के बीच में। द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज का मतलब होता है ब्लड। गैसेस का एक्सचेंज एल्वोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज यानी ब्लड के बीच में जो होता है उसे अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज, ये लाइन हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि एल्वोलाई जो होता है प्राइमरी साइट होती है, यानी सबसे पहले जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, रेस्पायरेशन जो होता है वो एल्वोलाई पर ही होता है। ऑक्सीजन एंड सीओ टू आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, ऑक्सीजन और सीओ टू जो होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एल्वोलाई पर डिफ्यूज होते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डिफ्यूजन के
इम्पोर्टेंट ही है कि डिफ्यूजन किस किस पर बेस होता है। एक तो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, एक गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर, एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना है उस पर, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है उस पर, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी है उस पर, और प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन पर डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर अपन देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ द गैस बिटवीन द टिश्यू ब्लड कैपिलरीज, यानी कि गैस का एक्सचेंज किसके बीच में, टिश्यू ब्लड कैपिलरीज के बीच में और टिश्यू सेल्स के बीच में, यानी ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसे अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, यानी ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच का रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इट टेक्स बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ये भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की तरफ होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाना, ज्यादा से कम की तरफ जाना डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ठीक है, आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, अगर कोई डाउट हो तो आप कॉल करें या कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।